जरीपेट का मेन मार्केट स्थित एक कपड़ा दुकान में बुधवार रात 11:45 के करीब भीषण आग लगी। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि आग की घटना की वजह से परिसर में रात को अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे। इसके बाद परिसर में नागरिकों ने एक दुकान से धुआं निकलते देखा। देखते ही देखते आग ने विशाल रूप धारण कर लिया। इसके बाद स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद महानगर पालिका के दमकल विभाग की कुल 8 गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना हुई। दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुगत नगर, सिविल लाइन्स, कॉटन मार्केट, कलमना, लखड़गंज, त्रिमूर्ति नगर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार मेन मार्केट होने की वजह से यहां दुकानें एक दूसरे से सटी हुई है। इसी वजह से आग पर काबू पाने के लिए दमकल ने तत्काल 8 गाड़ियां मौके पर रवाना की। कल रात को जब हम रात को करीबन 10:25 पे दुकान पूरा क्लोज करते घर को गए और क्लोज करने के 10-12 मिनट बाद में हमें बाजू वाले की फोन आई कि आपकी दुकान में कुछ आग सी लग रही है। हम दुकान रात को लगभग 10:30 10:25 और 10:27 के बीच में बंद किए थे और 10:37 को हमारे को पहला फोन आया बाजू वाले का कि आपके से कुछ लग रहा है। और उसके बाद में जो हुआ वो जैसे हमने शटर खोला अंदर पूरी आग फैली हुई थी। अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News, नागपुर।